संविदा चालक परिचालक संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को संविदा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में संविदा चालक परिचालक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि जब से क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी द्वारा संविदा कर्मचारियों का वेतन रोककर उत्पीड़न किया जा रहा है और कर्मचारियों को जबरन निकाल दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जब बसों का संचालन शुरू हुआ तब बसों को सैनिटाइज किया जाता था, लेकिन अब महीनों हो जा रहे हैं बसों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कर्मचारियों के वेतन का समय से भुगतान करते हुए उत्पीड़न बंद किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, मैं प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, संविदा चालक प्रचालक संघर्ष समिति। विगत 28 तारीख को हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का नोटिस दिया था इस क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ। जो बसें सैनिटाइज होकर नहीं निकल रही हैं, महीनों महीनों बिना सैनिटाइज की चल रही हैं, उसके पैसे का यह व्यक्ति गमन कर रहा है। हमारी मांगे हैं, जो इस बसें सैनिटाइज नहीं हो रही हैं, संविदा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना पशु ने नाम काटा जा रहा है, समीक्षा के नाम पर उत्पीड़न हो रही है, हरा आर्थिक से लेकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, यह सब चीज़ें बंद होना चाहिए। आज तक यह चीज़ें नहीं थी, आज ये हो रही हैं। पहले सैनिटाइज होती थी बसें तब हमारा कर्मचारी जाता था, आज कर्मचारी अपने जान पर खेल कर नौकरी कर रहा है और यात्री तो बेचारे जानते नहीं, उनकी जान लेने के लिए आरंभ तैयार है।